तो पहला फंडामेंटल राइट जो है दैट इज राइट टू इक्वालिटी. दिस फंडामेंटल राइट हैज बीन ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 14 to 18. इसमें पांच चीजें आती है. नंबर फर्स्ट आर्टिकल 14 में आएगा, 15, 16, 17 and 18. तो पहला चीज जो इसमें है दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ. यानी कि हिंदुस्तान में, इंडिया में जितना जो भी टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया में रहता है उन सबको लॉ जो है इक्वली प्रोटेक्ट करेगा. यानी कि यहां पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. तो इससे क्या होता है, इससे चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे प्रेसिडेंट या कोई भी अमीर आदमी है, हाई कास्ट का कोई है, लो कास्ट का है, हिंदू है, मुस्लिम है, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन या कहीं से भी डिसेंट क्या है, सेक्स है, मेल है, फीमेल है, दे ऑल विल बी प्रोटेक्टेड इक्वली बाय लॉ. इससे क्या होता है, इससे हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होता है. रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होता है यानी कि यहां पर बालादस्ती जो है वो लॉ की रहेगी वो पूरे इंडिया में एंड थ्रू द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया. दूसरा चीज जो इसमें आता है दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. Constitution of India under Article 15. Article 15 के अंदर prohibit करती है discrimination on the basis of religion, discrimination on the basis of caste, discrimination on the basis of sex, or discrimination on the basis of place of birth. इस डिस्क्रिमिनेशन को कॉन्स्टिट्यूशन में कंप्लीटली प्रोहिबिट किया गया है. नाउ एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन हैव एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस या पब्लिक वी कैन से होटल्स, रेस्टोरेंट्स, valets, etc. And we can say also schools. हिंदुस्तान में किसी भी आदमी को अब रोका नहीं जाएगा इनमें जाने से, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इनके एक्सेस पर. तो ये भी राइट टू इक्वेलिटी में ही है. तीसरी बात राइट इक्वेलिटी में आर्टिकल 16 में क्या है, दैट इज इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. जो भी सरकारी ऑफिस है हिंदुस्तान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 16, जो भी हिंदुस्तान में स्टेट के अंदर जितने भी ऑफिस आते हैं उन सभी ऑफिस में कोई भी हिंदुस्तान का सिटीजन जिसके पास क्वालिफिकेशन हो या उसके साथ उसकी ट्रेनिंग की गई हो या उसके साथ वाबस्ता हो, जिसके पास वो करेक्टर होगा या उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन उसके लिए रिक्वायर है, अगर वो किसी इंसान के पास है वो किसी भी ऑफिस के लिए इक्वली एलिजिबल है. किसी भी शख्स को गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉयमेंट से या अपॉइंटमेंट से हम ये नहीं रोक सकते हैं सिंपली ऑन द बेस ऑफ रिलीजन और सिंपली ऑन द बेस ऑफ कास्ट. वी कैन नॉट स्टॉप दैट पर्सन टू हैव अपॉइंटमेंट इन द पब्लिक ऑफिस, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस में. यानी कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिस हिंदुस्तान में है वो सभी अलाउड है अब हिंदुस्तान में हर एक सिटीजन के लिए. जो भी सिटीजन है उन सब के लिए गवर्नमेंट ऑफिस जो है दे आर ओपन.
तो इसमें सबसे अहम बात आपको ये याद रखनी है, दिस आर्टिकल 16 सेज दैट नो पर्सन कैन बी डिनाइड द अपॉइंटमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफिसेस, एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट on simply on the grounds of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any one of them. तो ये discrimination जो है ये खत्म की गई है. However, इसी article 16 में ही एक खास provision है, अगर state को लगे कि हमारे जो weaker sections of society है, for example, scheduled castes, scheduled tribes or other backward classes, वो इसमें अपॉइंट नहीं हो रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट अंडर लॉ यानी कि स्टेट अंडर लॉ रिजर्वेशन रख सकती है. सो देयरफॉर रिजर्वेशंस कैन बी मेड फॉर शेड्यूल कास्ट्स, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस. इसके साथ आपने रिसेंटली एक अमेंडमेंट सुनी होगी, 104th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज इंसर्टेड इन जनवरी 2020. रिसेंट अमेंडमेंट जो हुई है उससे क्या हुआ, अभी तक ये 10-10 साल के लिए बढ़ा रहे हैं जो ये रिजर्वेशन का मसला है शेड्यूल कास्ट्स के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ये 10-10 साल के लिए बढ़ता है. लेकिन जो जनवरी में 2020 में ये खत्म हो रहा था, तो इसको अमेंड करके 104th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आई, इससे ये जो रिजर्वेशन है ये 70 ईयर्स से बढ़ाकर 80 ईयर्स तक कर दी गई, यानी कि नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए ये रिजर्वेशन बढ़ा दी गई है. तो चौथी बात इसमें जो राइट टू इक्वालिटी है, इसकी चौथी चौथा जो पॉइंट इसमें आ रहा है, दैट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 17 हैज मेड अनटचेबिलिटी एन ऑफेंस. So, हिंदुस्तान में जो ये अनटचेबिलिटी है इसको एबॉलिश किया गया है. अनटचेबिलिटी इसके साथ साथ इसी आर्टिकल के अंदर कुछ लॉज भी बनाए गए हैं ताकि अनटचेबिलिटी जो है वो हिंदुस्तान में न चले. सबसे पहले हम कह सकते हैं अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955. Untouchability Offences Act 1955 या हम कह सकते हैं Protection of Civil Rights Act 1977. इन दोज लॉ से, और भी इसमें कुछ छोटे छोटे लॉज आए हैं, इन दो लॉ से क्या हुआ है, अनटचेबिलिटी को बिल्कुल एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है. यानी कि हिंदुस्तान में आप कहीं भी किसी भी सूरत में अनटचेबिलिटी जो है ये प्रैक्टिस नहीं हो सकती है अंडर आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. What does it mean? That untouchability has been abolished by Article 17 of Indian Constitution. तो चल पांचवी बात जो इसमें आ रही है, that is abolition of system of titles. System of titles, यानी कि जो Article 18 of Indian Constitution है, वो हिंदुस्तान में टाइटल्स के निजाम को खत्म किया गया है, सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक अवार्ड्स को कंटिन्यू किया गया है. जो दूसरे अवार्ड्स इस टाइटल्स यहां दिए जा रहे थे उन तमाम टाइटल्स को खत्म किया गया. फॉर एग्जांपल हमारे पास मिलिट्री अवार्ड्स है, मिलिट्री डेकोरेशंस लाइक परमवीर चक्र है या महावीर चक्र है, वीर चक्र, परमवीर चक्र या वीर चक्र जो है, ये कुछ मिलिट्री अवार्ड्स है, इनके देने पर कोई पाबंदी नहीं है. हाँ, अगर आप कोई दूसरा मुल्क किसी सिटीजन ऑफ इंडिया को कोई अवार्ड देता है, कोई टाइटल देता है दूसरा कोई मुल्क, तो वो अवार्ड लेने से पहले उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेना पड़ेगा, तभी वो टाइटल हासिल कर सकता है. तो we can come to back to the right to equality. It has been discussed from Article 14 to 18. इसमें सबसे पहले आता है equality before law,
that has been discussed under Article 14. दूसरी बात prohibition of discrimination ये Article 15 में है. Equality of opportunity in public employment Article 16 and abolition of untouchability under Article 17. Abolition of system of titles.